सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में भी आपको हिप हॉप का अपडेट्स दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात कर लेंगे एमसी स्टैन भाई के बारे में। सो बेसिकली कल मुंबई में किंग भाई का शो था और जिसमें हम लोगों को स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिला है एमसी स्टैन भाई का। आप लोग थोड़ा सा क्लिप देख लो। चलिए बात कर लेंगे हानी पाजी के बारे में। तो हानी पाजी का और एक पॉडकास्ट आया है जिसके अंदर हानी पाजी ने मफिया मुंदिर को लेकर बात किया है, जिसके अंदर बेसिकली हानी पाजी का ये कहना है कि मफिया मुंदिर के अंदर रफ्तार भाई था, इक्का भाई था, लील गोलू भाई था, लेकिन बादशाह भाई कभी भी नहीं था। और इनडायरेक्टली उन्होंने बादशाह भाई के बारे में काफी कुछ कहा है, आप लोग खुद ही देख लो। माफिया मुंदिर में जो अच्छे टैलेंट जो मुझे जो एक्चुअली उस समय जैम करने में क्या मजा आता। रफ्तार बहुत टैलेंटेड था और है, नो डाउट है, है भाई। और लिल गोलू सबसे ब्रिलियंट आर्टिस्ट फ्रॉम माफिया मुंदिर, सबसे ब्रिलियंट, सबसे अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। एंड इक्का, इक्का को नाम दिया था मैंने यंग अमली। यंग अमली, ऐसी यमली रहते हैं जो खुश रहते हैं, जो मजे में। और इन नामों के अलावा लियो भी था। अच्छा, वो भी उस, हाँ, वो भी उस था, समय था। उसी समय था। और इन नामों के अलावा कोई और नाम कभी भी माफिया मुंदिर का पार्ट नहीं था, कभी भी नहीं था। और उन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा माफिया मुंदिर का ढोर बजाया कि हम माफिया मुंदिर थे, हमने बनाया, हमने लिखा, हमने किया। तो अब कभी इन लोगों से टच में रहते हो कि यार करते हैं कुछ? लिल गोलू इक्का से मेरी बात होती रहती है, रफ्तार से तो नहीं बात होती। एक ही बारी मिला था मुझे वो फ्लाइट में, और लियो मेरे साथ है, अल्फाज मेरे साथ है, मनी का नहीं पता कहाँ है, जेस्टार का नहीं पता कहाँ है, क्योंकि मैं भी बीमार हो गया था तो सब लोग दूर स्कैटर हो गए थे सर। व्हाट वाज दैट टाइम लाइक? तो इस सब पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर कहना। सो गाइस इस वीडियो में तो इतना ही, मिलता है सर एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।